हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। टैली में गोडाउन कैसे बनाया जाए, गोडाउन बनाने की कई वीडियोस मैंने टैली ईआरपी 9 पे भी डाली हैं और टैली प्राइम में भी डाला गया है इसे, तो आप चाहे तो वहां से देख सकते हैं। अगर नहीं देख पाए हैं तो ये वीडियो भी आपके लिए काफी काम की है, क्योंकि तो गोडाउन बनाने की बात जो है, ये दो तरह का गोडाउन होता है टैली में। पहला तो गोडाउन होता है सिंगल गोडाउन, आप बना सकते हैं। दूसरा गोडाउन होता है मल्टीपल गोडाउन। तो देखिए, यहाँ पर क्रिएट पे जाते हैं तो आपको दो तीन चार चीजें इसमें दिखाई देंगे। पहले तो अकाउंटिंग मास्टर दिखाई देगा, ये आपको अकाउंटिंग मास्टर दिखाई पड़ रहा होगा। यहाँ पे शो मोर पे चले जाते हैं, कुछ और भी चीजें हमें दिखाई पड़ेंगी, ठीक है। तो अकाउंटिंग मास्टर है, अकाउंटिंग मास्टर में गोडाउन नहीं बनता है। अब यहाँ पर आइए इन्वेंट्री पर, तो इन्वेंट्री में ही गोडाउन आपका बनेगा और यहाँ पे दिया गया गोडाउन, तो गोडाउन पे क्लिक कर दीजिए। अब यहाँ पे सिंगल सिंगल आप गोडाउन बना सकते हो, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे एक गोडाउन बना रहा हूँ देवरिया गोडाउन, तो ये देवरिया कर देंगे DEORIA, इस तरीके से देवरिया कर दिया, एंटर कर दिया। देखिए ये कह रहा है कि देवरिया गोडाउन पहले से एग्जिस्ट है, पहले से एग्जिस्ट कर रहा है। जब आप नई कंपनी बनाते हो तो देखो थोड़ा सा इंटरफेस चेंज हो जाता है। तो देखिए मैं आपको नई कंपनी बना के दिखा देता हूँ, उसमें कैसे गोडाउन आएगा, कैसे एक्टिवेट होगा। हो सकता है आपके साथ अलग इंटरफेस आ रहा हो, तो दैट्स वाई इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पर मैं न्यू इंडिया नाम से एक कंपनी बनाता हूँ, एंटर करता हूँ, एंटर करता हूँ और एड्रेस रहेगा वही न्यू कॉलोनी देवरिया। तो ये मैंने कर दिया न्यू कॉलोनी देवरिया और इस तरीके से करके DEORIA एंटर करेंगे, एंटर करेंगे। यहाँ उत्तर प्रदेश रहेगा और यहाँ उत्तर प्रदेश लगा करके यहाँ पिन कोड वगैरह डाल करके आगे बढ़ते रहिएगा। इसको मैं एक्सेप्ट करा लेता हूँ, ठीक है। अब हमको इसमें गोडाउन बनाना है, ठीक है। चलिए कंट्रोल ले करके इसको भी एक्सेप्ट करा लेते हैं। तो गोडाउन कैसे बनेगा, देखिए यहाँ पर जाएंगे ना तो यहाँ पर आपको मिलेगा इन्वेंट्री, ठीक है। अब इन्वेंट्री में यहाँ पर मिलेगा गोडाउन, तो आपको यहाँ पर गोडाउन पे आ जाना है। और जैसे गोडाउन पे आएंगे ना तो कह रहा है कि क्या आप गोडाउन क्रिएट करना चाहते हैं मेन लोकेशन के अंतर्गत, तो यस करना चाहते हैं, कर लेते हैं। तो यहाँ पे एक देवरिया नाम से गोडाउन बना देते हैं, ये हो गया गोडाउन। अब ये मेन लोकेशन के अंतर्गत जाएगा, प्राइमरी में जाएगा, किस में रखना है ये डिसाइड कर लीजिए। मेन लोकेशन का मतलब आप देवरिया को अपनी मेन लोकेशन बनाना चाहते हैं या प्राइमरी में रखना चाहते हैं, मेन लोकेशन ही बना देते हैं हम। तो ये मेन लोकेशन हमारा देवरिया रहेगा, ठीक है। अब जो गोडाउन बनेगा वो सब देवरिया के अंडर में जाएगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर क्या करूंगा, यहाँ पे बनाता हूँ न्यू कॉलोनी, तो एक गोडाउन हो गया न्यू कॉलोनी। देखिए गोडाउन बनाने का यही तरीका है, ठीक है। अब ये आ गए, अब देखिए ये जो जाएगा ना ये देवरिया के अंडर में जाएगा, ठीक है। अब देखिए दूसरा बनाते हैं राघव नगर, तो ये जो है ना ये देखिए यहाँ पे लिखा राघव फिर लिखा नगर NAGAR, ठीक है। तो राघव नगर हो गया, एंटर करेंगे और ये इस तरीके से, और ये किस में जाएगा, ये भी जाएगा देवरिया में ही, तो ये सब देवरिया के अंडर जाएगा। तो ये तो रहा सिंगल सिंगल गोडाउन बनाना, लेकिन मल्टीपल गोडाउन कैसे बनेगा सवाल ये है। इसमें कहीं भी आपको मल्टीपल गोडाउन का ऑप्शन नहीं नजर आएगा। अगर आप ये सोच रहे हैं कि यहाँ शो मोर पे जाएंगे तो आ जाएगा, अब शो मोर और इनएक्टिव पे भी क्लिक कर लीजिए, इसमें मल्टीपल गोडाउन का ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा। और गोडाउन तो यहीं से बनता है, तो फिर यहाँ पर क्या दिक्कत है, क्यों कैसे फिर गोडाउन बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम एक काम करते हैं, यहाँ से पहले बाहर आ जाते हैं, ये बाहर आ गए। अब आपको कहाँ चले जाना है, अगर आपको मल्टीपल गोडाउन बनाना है तो यहाँ पर जाना चाहिए चार्ट ऑफ अकाउंट पे, तो खाली एच प्रेस करना है और आ जाना है चार्ट ऑफ अकाउंट पे। आ गए चार्ट ऑफ अकाउंट पे, यहाँ पे दिया गया शो इनएक्टिव, तो जो भी इनएक्टिव वगैरह है उसको सब शो करा लीजिएगा, कोई भी इनएक्टिव नहीं रहना चाहिए। ये देखिए ये जो भी इनएक्टिव है उसको शो करा दिया जाए, तो ये हो गया। अब यहाँ पर आएंगे तो ये गोडाउन दिख रहा है हमें, तो गोडाउन पे क्लिक करेंगे, जैसे गोडाउन पे क्लिक करेंगे एंटर करेंगे तो यहाँ पर साइड में देखिए यहाँ पर आएगा मल्टी मास्टर। अब इसकी शॉर्टकट की है अल्ट एच, जैसे ही अल्ट एच करेंगे तो यहाँ पर आएगा मल्टी क्रिएट। आपको अल्टर तो करना नहीं है, क्योंकि गोडाउन अगर बना दिया है तब ना अल्टर करेंगे, हम तो मल्टीपल गोडाउन बनाना चाहते हैं, चेंजेस थोड़ी ना करना चाहते हैं। तो यहाँ पर आकर के बनाइए आप गोडाउन, देवरिया के अंतर्गत सारे गोडाउन रहेंगे। अब बना देते हैं यहाँ पे, ये को बना देते हैं लकड़ी हट्टा, ये को लकड़ी हट्टा नाम से गोडाउन हो गया। दूसरा बना देते हैं एक तो कस्या रोड वाला गोडाउन है, ठीक है। इधर आ जाते हैं, एक और गोडाउन बना देते हैं भीखमपुर, भीखमपुर ये एक और गोडाउन हो गया, एंटर करेंगे और गोडाउन बना देते हैं एक तो, एक तो बना देते हैं लाइक अंबेडकर नगर, अंबेडकर नगर, ये भी एक हो गया आपका गोडाउन। तो इस तरीके से मल्टीपल गोडाउन बनाया कि नहीं, देखिए मल्टीपल गोडाउन भी बना लिया, ठीक है। तो इस तरीके से सिंगल गोडाउन और मल्टीपल दोनों ही आप बना सकते हैं, ठीक है। आई होप कि आपको बात समझ में आई होगी सिंगल गोडाउन और मल्टीपल गोडाउन। यूज क्या है इसका, यूज ये है कि आपका कारोबार जब बड़ा हो जाता है तो आपको कई गोडाउन की जरूरत पड़ती है। जैसे सपोज कीजिए आप टाइल्स का भी बिजनेस करते हैं तो अलग अलग टाइल्स, मान लीजिए कि जहां पे आप रहते हैं वो काफी डेंस एरिया है तो वहां पर आप कहां पे सारा सामान रखोगे, तो एक छोटा सा आप लेते हो, घर लेते हो या मकान रूम लेते हो, उसमें सारे टाइल्स रखवाते हो आप, हो सकता है कि वहां पे पर्याप्त ना हो तो फिर दूसरे जगह रखवाते हो, तीसरे जगह रखवाते हो, तो ये गोडाउन हो गए आपके। आई बात समझ में,
इसे गोडाउन कहते हैं और यही गोडाउन का यूज है। तो आप दूसरे गोडाउन से, न्यू कॉलोनी वाले से निकलवाना चाहते हो कि राघव नगर वाले से निकाल के देना चाहते हो, ये जो महत्व है गोडाउन का, तो गोडाउन बना लेंगे तो आपके पास एक रहेगा कि हाँ इस गोडाउन में इतना सामान है, इस गोडाउन में इतना सामान है, ये फायदा रहता है गोडाउन का। ठीक है ना, आई होप की बात समझ में आई होगी। वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।